दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए मई 2022 के अंतिम सप्ताह की 18 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। साप्ताहिक रोजगार समाचार की ये लेटेस्ट अपडेट है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज की ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। 10वीं और 12वीं पास के लिए भी बड़े मौके हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 1 लाख के लगभग यहां पर वैकेंसीज निकली है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 18 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं मई 2022 के अंतिम सप्ताह की टॉप 18 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में। भारतीय वायुसेना IAF के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। AFCET एंट्री की भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, AFCET एंट्री के साथ साथ में NCC और मेट्रोलॉजी एंट्री की भी यहाँ पर ये नोटिफिकेशन की अपडेट आ चुकी है। वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से ही चेक कर सकते हो। डेट की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। लास्ट डेट 30 जून 2022 है। 56,100 से 110,700 सैलरी है। डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 26 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। फीस यहाँ पर ₹250 है। जी हाँ दोस्तों, AFCET एंट्री के लिए ओनली फीस जमा करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट फिजिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो AFCET.CDEC.IN पोर्टल से। बात अगर यहाँ पर सेकंड नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। SSC में हेड कांस्टेबल की भर्ती है दिल्ली पुलिस में। 835 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 जून 2022 है। लेवल 4 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 28, 30, 35 वर्ष आयु सीमा है। ₹100 फीस है। SST फीमेल के लिए फीस नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट फिजिकल टाइपिंग से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो ऑल इंडिया से SSC.NIC.IN पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। बात अगर थर्ड नंबर जॉब की जाए तो वो भी SSC में ही निकली है। सिलेक्शन पोस्ट 10 की भर्ती है। 2065 वैकेंसीज है। 13 जून 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लेवल 1 से 7 के अंतर्गत सैलरी है। 10वीं 12वीं डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 27, 30 वर्ष आयु सीमा है। ₹100 फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट से आधार पे इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो SSC.NIC.IN पोर्टल से। बात अगर फोर्थ नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है UPSC में। जी हाँ दोस्तों, NDA और CDS की भर्ती है। यहाँ पर NDA एग्जाम CDS एग्जाम के माध्यम से भर्ती होगी। 400+339 वैकेंसीज है डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत। 7 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। 12वीं पास, डिग्री पास और इंजीनियरिंग पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। फीस यहाँ पर ₹100 है। SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न टेस्ट SSB टेस्ट इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो UPSCOnline.NIC.IN पोर्टल से। बात अगर 5 नंबर जॉब की जाए तो वो भी FCI में निकली है। कैटेगरी 2nd, 3rd, 4th की भर्ती है। 4,710 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। डेट जल्दी डिक्लेयर की जाएगी। सैलरी आप यहाँ से चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। 8वीं पास, डिग्री पास और इंजीनियरिंग पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 25, 28, 35 वर्ष आयु सीमा है। ₹1,000 फीस है। SST फीमेल के लिए नहीं है। रिटर्न टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो FCI.gov.in पोर्टल से। बात अगर 6 नंबर जॉब की जाए तो वो है असम राइफल्स में। टेक्निकल ट्रेड्समैन की पोस्ट है। 1380 वैकेंसीज है। डेट जल्दी डिक्लेयर की जाएगी। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23, 25 वर्ष आयु सीमा है। ₹200 फीस है। रिटर्न फिजिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो asamrifles.gov.in पोर्टल से। बात अगर 7 नंबर जॉब की जाए तो वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती है। 204 वैकेंसीज है। 28 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। 19,900 से 63,200 सैलरी है।
12वीं पास डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। 1250-200-500 रुपये फीस है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, SSSB.punjab.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। बात अगर 8 नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। वीडियो की भर्ती यहाँ पर निकली है ग्राम सेवक के लिए। 792 पद खाली है। 27 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 2 के अंतर्गत सैली है। ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। 1250-200-500 रुपये फीस है। रिटर्न एग्जाम इंटू से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, SSSB.punjab.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। बात अगर 9th नंबर जॉब की जाए तो वो भी SSC में ही निकली है। सैनिटरी सुपरवाइजर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, गार्डन सुपरिंटेंडेंट, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, लीगल असिस्टेंट की भर्ती है। 921 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। इसके लिए यहाँ पर 30 मई से 29 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 2, 4, 6, 5 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 और 38 वर्ष आयु सीमा है। 100 और 50 रुपये फीस है। रिटर्न टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो JSSC.NIC.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी SSC में है। LDC क्लर्क स्टेनो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। 991 वैकेंसीज है। 27 मई से 26 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 2-4 के अंतर्गत सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35-38 वर्ष आयु सीमा है। 100 और 50 रुपये फीस है। OMR बेस्ड रिटर्न टेस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो JSSC.NIC.in पोर्टल से। बात अगर 11 नंबर जॉब की जाए तो वो भी सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में निकली है। क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। 917 वैकेंसीज है। 15 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 2 के अंतर्गत सैलरी है। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 वर्ष एज लिमिट है। 1250-200-500 रुपये फीस है। रिटर्न आउट टाइपिंग से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, SSSB.punjab.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। बात अगर 12th नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में। पशुधन विकास बोर्ड के अंतर्गत मैत्री की भर्ती है। 2000 वैकेंसीज है। 10 जून 2022 तक आप आवेदन कर सकते हो। 5200 से 20200 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। टेस्ट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है, UPLDB.UP.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। बात अगर 13 नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है BSF में। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। 8 जून तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। रिटर्न फिजिकल से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो recruit.bsf.gov.in पोर्टल से। बात अगर 14 नंबर जॉब की जाए तो वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 4070 वैकेंसीज है। 7 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। 29200 से 92300 सैलरी है। मिडिल स्कूल मैट्रिकुलेशन से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, UDRPSC.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। बात अगर 15 नंबर जॉब की जाए तो वो है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में। भारतीय डाक विभाग में GDS की भर्ती है। 38,926 वैकेंसीज है। 5 जून तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। 10 से 12,000 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। मेरिट से चयन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो इंडिया पोस्ट GDSOnline.in पोर्टल से। बात अगर 16 नंबर जॉब की जाए तो वो है सेकंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में। स्कूल लेक्चरर, PGT टीचर की भर्ती है। 6000 वैकेंसीज है। 4 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। लेवल 12 के अंतर्गत सैलरी है। मास्टर डिग्री साथ में डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन BEd/DL/ED से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। 350-250-150 रुपये फीस है। रिटर्न और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो SSO.rajasthan.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 17 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंचायती राज विभाग में। पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। 2783 वैकेंसीज है। 3 जून तक आप आवेदन कर सकते हो। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है।
फीस जमा नहीं करनी होगी ना ही एग्जाम देना होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, यूपी जॉब लोकेशन है। बात अगर 18 नंबर जॉब की जाए तो वो है रेलवे में। अप्रेंटिस के लिए 1044 पद है, 3 जून तक आवेदन कर सकते हो। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस और एग्जाम नहीं देना होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो इसके ऑफिशियल पोर्टल से। तो दोस्तों, ये थी मई के अंतिम सप्ताह की टॉप 18 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।